और इस समय ये मार्ग इतना खतरनाक हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त स्थिति इसमें, इस मार्ग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जेसीबी लगा हुआ है और इधर पूरी चट्टान आप देख सकते हैं इस साइड पर, ये देखिए। जय बद्री विशाल। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से वीडियो की शुरुआत हो गई है कोटद्वार के सिद्धबली, और ये देख सकते हैं बैरियर है यहाँ पे, और अभी जा रहा हूँ मैं पहाड़ों की ओर, पर मैं निकल रहा था पहाड़ों की ओर, फिलहाल यहाँ पे रास्ता अभी कह रहे हैं कि आगे बंद हो रखा था, सुबह गाड़ियाँ तो आ गई है वहाँ से, देखते हैं क्या स्थिति है। फिलहाल गाड़ियों का यहाँ पे अभी काफ़ी लंबा यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि आगे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं, जब तक उधर गाड़ी ना आ जाए इधर तब हम यहाँ से निकलेंगे। दिखाऊंगा मैं आपको क्या स्थिति है उस मार्ग की, तो बने रहा मेरे इस वीडियो में। फिलहाल आप देख रहे हैं अभी साथियों कि वहाँ से ऑर्डर आ गया है कि रास्ता शायद खुल गया है, तो जितने भी अभी दोपहिया वाहन हैं सब निकल रहे हैं अभी, ये देखिए सब जा रहे हैं, तो हम भी आगे निकल पड़े, तो देख सकते हैं आप, तो मैं भी यहाँ से निकल गया हूँ और सभी गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई हैं, तो रास्ता फिलहाल अभी खोल दिया गया है ऐसा लग रहा है, बाकी आगे वहीं पे जाके पता चलेगा कि रास्ते की स्थिति क्या है। बाकी इधर से देख बार दिखा लूँगा मैं आपको क्या स्थिति है यहाँ पे और पांचवें मिल में भी, क्योंकि इधर बारिश हो ही रही है साइड, तो रास्ता कब आ जा रहा है ऊपर से मलबा कब आ जा रहा है कोई भरोसा नहीं है। अभी जहाँ पे हर बार ये पांचों मील है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रास्ता कह रहे हैं कि यहाँ पे भी रास्ता बंद था, पर ये यहाँ पे मैंने पूरा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरा जो मलबा क्या है यहाँ पे भी आया था, जेसीबी ने यहाँ पे भी साफ किया है बिल्कुल। रास्ते की हालत आप देख रहे हैं क्या स्थिति यहाँ के रास्ते की हालत, देखो पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, मतलब थोड़ी भी अगर गाड़ी होगी तो स्लिप होने का चांस ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए सतर्क चलाना पड़ रहा है। भाई पूरा रास्ता खतरनाक है, खतरनाक रास्ता इस समय, कोड़ा दुगड्डा मार्ग दिखा रहा हूँ मैं आपको साथियों, मतलब ऐसा रास्ता हो रखा है कि जान हथेली पे रख के चलना पड़ रहा है वाकई में, आप क्या करें। ये है यहाँ पे रपटा, और इस रपटे में तो आप देख सकते हैं कि पानी जब आता है तो खतरनाक आता है पानी, और बाकी रास्ते की हालत बहुत खतरनाक है इस समय, ये देखो बहुत डेंजर। 15 किलोमीटर जो कोटद्वार से दुगड्डा है वो बहुत ख़तरनाक है साथियों, इस समय 15 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 15 ही मतलब ये मान के चलो फिलहाल, हाँ 15 किलोमीटर बहुत स्थिति ख़राब है। ये देखिए इधर यहाँ पे पुस्ता का काम चल रहा था, यहाँ पे दीवार रख रहे थे, फिलहाल ये यहाँ पे रोक दिया गया है बरसात में यहाँ पे दीवार का काम हो रहा है, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा, जितना काम करेंगे उतना तो बह जाएगा, तो फ़ायदा क्या है यहाँ पर करा के। देवी माता मंदिर के समीप वहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लग रहा है मुझे कि यहाँ पे भी जाम लग गया है शायद, इस साइड पर आप देखिए, और जेसीबी लगा हुआ है और वहाँ पे चल रहा है काम अभी, तो अभी देख सकते हैं आप कोड़ा दुगड्डा मार्ग दुर्गा देवी माता के मंदिर के समीप, यहाँ पे सभी गाड़ियाँ यहाँ पे भी खड़े हो गए हैं, आगे जेसीबी काम चल रहा है वहाँ पे, क्या अंदर हाँ यार, हाँ, फिलहाल अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ से अभी देखेंगे पहले क्या है वहाँ की स्थिति, पर रिस्क है यार वहाँ पे अभी है, हाँ रिस्क है, सब गाड़ियाँ यहीं पे इधर खड़ी हैं अभी। तो अभी दुर्गा देवी माता के मंदिर के समीप पहुँच गए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बहुत भयंकर चट्टान और पानी टपक रहा है यहाँ से, और पानी हो गया है, बाकी अभी एक बार आगे दिखा के आ जाता हूँ एक बार क्या है वहाँ पर मार्ग की स्थिति, और यहीं पे बंद था सुबह, बंद था यहाँ पे क्योंकि 5 बजे तक तो आप मान के चलो कि 8 से 5 तो बिल्कुल बंद है, और उसके बाद भी रात को ही आया होगा यहाँ पे मलबा ऊपर से, और जेसीबी लगा हुआ है वैसे यहाँ पे आगे। फिलहाल स्थिति मार्ग की क्या है ये देख सकते हैं आप, और इस समय ये मार्ग इतना खतरनाक हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त स्थिति इसमें, इस मार्ग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सुबह सुबह इतनी जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय, बहुत ज़्यादा इस समय ट्रैफिक है इस साइड पे, ये देखिए बाकी पानी आ रहा है इधर से, ये देखिए पूरा कैसे हो गया ये, और इस साइड तो जो ये एक हिस्सा तो पूरा बिल्कुल ये जा चुका है, तो ये वाला हिस्सा रह गया बताओ, तो बहुत ज़्यादा स्थिति इस समय इस मार्ग की है। आगे दिखा लेता हूँ एक बार क्या स्थिति है, और सुबह सुबह जितने भी जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो सब लोग ड्यूटी वाले लोग इधर ही फंसे हुए हैं अभी,
और रास्ते की हालत पूरा बिल्कुल ऐसे हो गया है किस पिच जैसे पूरी मिट्टी मिट्टी यार पूर की है यहाँ पे रास्ते में बिल्कुल। अभी यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है और इधर पूरी चट्टान आप देख सकते हैं इस साइड में, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे अभी जेसीबी काम शुरू कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है और सुबह से जेसीबी अपना काम कर रहा है और कब ऊपर से आ जाए कोई भरोसा नहीं है अभी। हाँ वही बीच बीच में ना इधर खड़ा कर देखा रहे यहाँ पे कब आ जाए कोई वो नहीं है अभी, देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए जेसीबी चल रही है फिलहाल, यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है फिलहाल आप देख सकते हैं निकाल तो रहे हैं पर अभी खतरे से खाली नहीं है, देख सकते हैं। आप देख रहे हैं निकल रहे हैं यहाँ पे, रास्ता बिल्कुल डेंजर है इस समय, बहुत खतरनाक रास्ता है, तो सब निकल रहे हैं अभी धीरे धीरे करके, ये देखिए तो अभी साथियों मैं भी गाड़ी निकाल रहा हूँ और स्थिति बहुत ख़राब है इस समय बहुत ज़्यादा, फिलहाल अभी निकाल लेते हैं गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है इस समय इस मार्ग की और दिखाता हूँ आपको क्या है मार्ग की स्थिति, ये देखिए। तो ये रोज़ वाली बात हो रही है, बार बार डेली हो रहा है इस समय यहाँ पे, चल आ जा। और हालत क्या ख़राब है इस समय, देखो पूरा दलदल हो रखा है, ओ पूरा दलदल है साथियों, ओ हो 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 पूरा दलदल है दोस्तों, खतरनाक है स्थिति यहाँ पे। बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है साथियों, बहुत ही ज़्यादा। अरे भाई हॉर्न क्यों दे रहा बार बार, अब देखिए इधर भी जाम लग गया है, बहुत ही ज़्यादा मार की हालत आप देख सकते हैं इस समय, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय। चलिए साथी आ रहा है, देख रहे हैं कि मार्ग की हालत क्या स्थिति है, कोड़ा दुबड्डा मार्ग ये हर बार आ जा रहा है, पूरा जो चट्टान क्या है वो चट्टान बिल्कुल जो मलबा क्या है वो मलबा पूरा नीचे आ रहा है, और इधर गाड़ियाँ आ रही हैं उधर से, कुछ गाड़ियाँ अभी यहाँ पे खड़ी हुई जाती है, वहाँ पे पुलिस की टीम भी लगी हुई है मुस्तैदी से कि कोई यहाँ पे खतरा ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं। अब पहले दुबह वाहन आ रहा था और अब फोर व्हीलर गाड़ी जो क्या है वो सब निकल रहे हैं यहाँ पे, धीरे करके जो बस है ट्रक है वो भी निकलेंगे यहाँ पे। फिलहाल रास्ते की हालत क्या है वो देखिए, गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी, फिलहाल खतरनाक मार्ग बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि इस समय हमें घूमने जाना है तो प्लीज़ आप घूमना कैंसिल कर दीजिए, इस समय पहाड़ स्वयं नीचे आ रहे हैं, पहाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थिति है कोरदा दुगड्डा मार्ग की इस समय, और गाड़ियों का काफिला यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे करके चल रहा है, पहले इस साइड जा रही हैं फिर उस साइड आ रही हैं। यहाँ पे चुना भरा पानी और यहाँ पे पूरा क्या हुआ कि जूते मेरे ऐसे हो गए थे बिल्कुल गंदे हो गए थे और कपड़ों में भी थोड़ी मिट्टी लग गई थी, क्योंकि दोपहर वाहनों के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पे इस समय। तो चुना भरा पानी बहुत ठंडा पानी है बहुत ही ज़्यादा, इसके सामने फ्रिज का जो कोटद्वार में जो पानी क्या है वो फेल है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है इस समय। तो चलो मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, वो शेयर इसलिए कीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा कि लोगों को पता चले कि कोरा कोरदा दुबड्डा मार्ग क्या हालत है इस समय इस मार्ग की, तो सावधानी से आएँ सतर्क होके आएँ। तो चलो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके दोस्तों बाय बाय।